हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं बनाऊंगी घिया के कोफ्ते, तो घिया के साथ आलू भी डालूंगी। आलू कोई नहीं डालता, मैं डाल रही हूँ आलू को। इसके साथ इसका स्वाद ज़्यादा हो जाता है। और दो टमाटर हैं और दो प्याज हैं, थोड़े से लहसुन की कलियाँ हैं और ये अदरक का टुकड़ा है। लौकी के साथ आलू, इन दोनों को मिला के बनाऊंगी मैं कोफ्ते। ये हम अदरक को कद्दूकस कर लेंगे, इसमें बहुत बारीक वाली साइड से करेंगे, बिल्कुल बारीक है। जो जब ये हम सब्जी में डालेंगे तो आपने भूल जाएगा, इसका पता नहीं चलेगा। वैसे हम इसको तड़के में पीसेंगे। ये हो गया। अब हम ये दो प्याज हैं जो, इनको रफली काट लेंगे मोटे मोटे, उसमें इस तरीके से काट लेंगे, क्योंकि इनको हम मसाले में पका के फिर हम तो इस मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये हो गया है। और ये लहसुन की कलियां हैं और ये टमाटर भी काटेंगे। तो हमने ये कढ़ाई रख ली गैस के ऊपर और हम गैस को करेंगे ऑन। ये गैस हो गई है ऑन। अभी गैस गर्म होती है, जब तक गैस जली हुई है, जब तक कढ़ाई गर्म होती है, कढ़ाई हो रही है गरम। अभी हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसमें डाले हमने 2-3 चम्मच तीन बड़े चम्मच डाले हैं। अभी ये मस्टर्ड ऑयल गरम होएगा, इतनी देर हम कोफ्ते लौकी को और आलू को घिस लेते हैं कद्दूकस में। ये देखिए तेल हो गया गरम, धुआं उठ रहा है इसमें से। और इसमें डाल रखे देखो, हमने 2 तेज पत्ते हैं और 2 लाल मिर्चें हैं, 2 छोटी इलायची, 1 मोटी इलायची है, थोड़े से काली मिर्च हैं और जीरा है और 1-2 लौंग है और दालचीनी का टुकड़ा है। ये हमारे पास दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्चें, लौंग, जीरा, मोटी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्चें, ये डाल देंगे हम इसमें। अभी गैस को कर देंगे कम, अभी चटक रही है। इसके साथ डालेंगे हम ये लहसुन की कलियाँ, ये 4-5 लहसुन है, ये लहसुन की कलियां हैं, ये डालेंगे हम इसमें। और ये प्याज है, ये प्याज डालेंगे कढ़ाई में। अदरक को डालेंगे थोड़ी देर में और ये हम इसको तरीके से भून लेंगे, इसको सुनहरे आने तक पकाएंगे थोड़ा सा। और इसके साथ ही हम टमाटर भी डाल देंगे। ये हमारे पास 2 बड़े टमाटर थे, ये डाल दिए हमने। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। सुनहरा होने तक भुनेंगे हम इसको। और अब हम डालेंगे इसमें देगी मिर्च, 1 चम्मच देगी मिर्च डाल दी हमने इसमें। और ये डाल दिया हमने हल्दी पाउडर। एक चम्मच डाल दिया हमने धनिया पाउडर। और 1 चम्मच डाल दिया हमने नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, थोड़े से ये 2-4 दाने राय उसके हैं, सरसों के दाने हैं, ये भी डालूंगी मैं तड़के में। ये डाल दिए। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से पक गए हैं। मसाले ने तेल अलग कर दिया है, तेल छोड़ने लग गया मसाला। अभी हम गैस को कर देंगे बंद। गैस हमने बंद कर दी है, मसाला ठंडा होने देंगे। तब तक हम करते हैं लौकी को कद्दूकस करते हैं और आलू को। अब हम लौकी को कद्दूकस करेंगे। ये लौकी है, एक बॉल ले लिया हमने, कद्दूकस की सहायता से हम इसे कद्दूकस करेंगे, कस लेंगे अच्छे से। ये
ये हमने लौकी को कर लिया है, अब करेंगे हम आलू को। ये आलू को कर लिया हमने अच्छे से। ये हो गया आलू। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये हमने आलू और घिया को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये एक करछी और ये दो करछी। दो करछी पूरी नहीं है, डेढ़ करछी है। अभी हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे इसको हम। अब इसमें हम डालेंगे नमक मिर्च। इसमें हम ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हमने तड़के में सारा मसाला डाला हुआ है। इसमें हल्का सा डालेंगे हम नमक, बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्चें और ये नामांतर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमने तड़के में सारे मसाले डाले हुए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और मसाला भी ठंडा हो गया है, उसको भी हम मिक्सी में डाल के। अब ये मसाला ठंडा हो गया है, इस मसाले को हम निकालेंगे इस जार में। ये हमने इसमें डाल दिया, जार में ट्रांसफर कर दिया हमने मसाले को। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हम मिक्सी को चलाएंगे। ये हो गया मसाला तैयार। अब हमने फिर से कढ़ाई को गैस के ऊपर रख लिया है, गैस कर दी ऑन, गैस को ऑन कर लिया है और ये कढ़ाई को हल्के से पोंछ लेंगे हम। गीली कढ़ाई है ये, हमने कढ़ाई साफ कर ली है और ये मसाला जो हमने भुना फ्राई किया हुआ था ये मसाला तैयार कर दिया हमने मिक्सी के जार में। अब हमने इस कढ़ाई को रख लिया गैस के ऊपर क्योंकि पकौड़ों के लिए हमें गहरी कढ़ाई चाहिए, वो फ्लैट है पूरी, उसमें पकौड़े ठीक से नहीं बनेंगे। तो उस कढ़ाई को हमने वहाँ रख दिया और ये लोहे की कढ़ाई को हमने गैस के ऊपर रख दिया। ये गहराई में है, इसमें पकौड़े अच्छे से बनेंगे। और ये मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है, ये डालूंगी मैं। एक साथ बनाऊंगी पकौड़े, इतना तेल गरम हो रहा है। अब तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब इस मिश्रण में डाल देंगे हम ये थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे इसमें। फिर इसको मिला लेंगे इस तरीके से। अजवाइन जो है हाजमा के लिए बढ़िया है, इसलिए अजवाइन डालने का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। अब तेल गर्म हो गया है, हम डालेंगे इसमें अब कोफ्ते बनाएंगे, घिया और आलू के कोफ्ते। चम्मच के साथ डालेंगे हम इसको। ये देखिए चम्मच की सहायता से डाल रहे हैं इसको हम। चलाएंगे आराम से। ये कोफ्ते बड़े नरम बनते हैं, खाने में बड़े अच्छे लगते हैं।
घिया के कोफ्ते हर कोई बनाता है, लेकिन उसमें मैंने जो आलू डाला है उसका स्वाद कुछ अलग आएगा, उसके स्वाद को दुगना कर देगा। अब ये देखो कितनी क्रिस्पी हो गई, देखो कितने अच्छे हो गए, देखो एकदम लाल लाल। ये हमने बना लिए, ये रख दिया हमने नीचे। अभी बनाएंगे हम और ये देखो, ये कढ़ाई के अंदर डालने के बाद फूल जा रहे हैं, थोड़ा बड़े हो जा रहे हैं। देखो मैं तो एक चम्मच डाल रही हूँ, छोटे चम्मच से बना रही हूँ। ऐसे हल्के हाथ से हिलाएंगे, देखो ये भी रेडी हो गए हैं। ये भी हम निकाल लेंगे अच्छे से कट, इसको हम तिरछा कर लेंगे ना जलने को, तो इस तरीके से तेल नहीं आता है, तेल सारा नीचे चढ़ जाता है। और अभी ये पांच चार और बनाएंगे हम। ये देखिए ऐसे कोफ्ते आप बना के देखना घर में, बहुत ही नरम होंगे, एकदम तोड़ने में भी आसानी रहेगी, चम्मच डालोगे तो एकदम टूट जाएगा। अभी इन्हें भी हल्के हाथ से हिला लेंगे। ये पकोड़े भी तैयार हुए हैं कोफ्ते, इनका भी सारा तेल निकाल लेंगे, झरने को टेढ़ा कर देंगे तो तेल अपने आप ही निकल जाएगा। और ये हमने इसमें ये छोटे छोटे से हैं जो, ये भी निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई को हटा लेंगे इसमें से, और इस कढ़ाई को रखेंगे हम गैस के ऊपर। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, ये देखिए जिसमें हमने कोफ्ते तले थे वही तेल हम इसमें डाल रहे हैं। ये डाल दिया हमने तेल इसमें, ये तेल गरम था ही, थोड़ा सा और गरम होने देते हैं। अब हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया है, अब जो मसाला इसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ है गरम पानी डालेंगे, और गरम पानी को हम सब्जी में डाल देंगे। मसाला हमने पहले ही भुना हुआ था, फ्राई कर लिया था हमने मसाले को, प्याज टमाटर लहसुन और लाल मिर्च और खड़े मसाले। खड़े मसाले में मोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा और लौंग और छोटी इलायची, दालचीनी, ये चीजें हमने डाल के इसको अच्छे से भून लिया था, और मिक्सी के जार में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब वो हमने मसाला इसमें कर लिया है, और कोफ्ते भी हमने रेडी कर लिए, तैयार कर लिए हैं। अब पानी भी गर्म हो गया, गैस को कर दिया हमने बंद। अब ये मसाला अच्छे से भून गया है। अब जिस मिक्सी में, मिक्सी के जार में हमने मसाले को ग्राइंड किया था, वो उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के हम ये पानी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें एक दो गिलास पानी के, ये दो गिलास तो नहीं पर डेढ़ गिलास पानी के हैं। ये देखो कोफ्ते कितने बढ़िया बने हुए हैं, कितने नरम उससे टूट रहे हैं, देखो कितने आराम से टूट रहे हैं। अब हम डालेंगे इन सारे कोफ्तों में इसमें। अब हमने कोफ्ते इसमें डाल लिए हैं, कितनी अच्छी तरीके से ये उबल रहा है, इसमें कितने सारे बबल्स आ गए हैं, देखो
कितने बढ़िया से उबल रहा है देखो। अब ये कोफ्ते खाएंगे हम बड़े स्वाद के साथ। ये हमारा डिनर तैयार हो रहा है। अब इसको थोड़ी देर हम ढक देंगे। कोफ्तों में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, देखो कितने आराम से कितने जल्दी मैंने बना दिया है। अब इसको हम 3 मिनट और रखेंगे गैस के ऊपर, कोफ्तों के अंदर इसका रस चला जाएगा और कोफ्ते और सॉफ्ट हो जाएंगे। 3 मिनट के बाद फिर हम देखते हैं कैसे बना है। अभी हम इसको खोल के देख लेंगे। अब इसके ऊपर जो है हमने ये अदरक कद्दूकस किया हुआ था, इसको डालेंगे। अदरक कद्दूकस करके रखा हुआ था, इसके ऊपर हम इसे डाल देंगे। इसका फ्लेवर और ज्यादा आ जाएगा इसमें, और इसको इससे मिला लेंगे। इसमें अदरक की जो है ना वो खुशबू आएगी ऊपर से, हमने कच्चा अदरक डाला है ना, ज्यादा पकाया नहीं है, मसाले में नहीं पकाया हमने इसको। अब इसको फिर ढक देंगे हम 2 मिनट के लिए। अब हम देखते हैं एक बारी फिर इसको ढक्कन को निकाल के। ये हो गई है, ये हो गए कोफ्ते तैयार। ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं, गैस को कर दिया हमने बंद। आप बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, आलू और लौकी के कोफ्ते। इसमें डाला हमने 2 प्याज डाले हैं, 2 टमाटर डाले हैं, थोड़ी सी लहसुन डाली है, 3-4 कलियां लहसुन की डाली हैं, और 2 लाल मिर्चें डाली हैं, 4 काली मिर्चें डाली हैं, 1 मोटी इलायची डाली है, 2 छोटी इलायची डाली हैं, और 1 तेज पत्ते का टुकड़ा डाला हुआ है, दालचीनी का टुकड़ा डाला है इसमें, लौंग डाली, 1 जीरा और अजवाइन इसके साथ बनाया, और 1 लौकी और 1 आलू, आलू 1 लौकी का टुकड़ा, आधी लौकी और 1 आलू के साथ हमने ये कोफ्ते तैयार किए हैं। आप बताना आपको ये कोफ्ते कैसे लगे। ये देखो कितने नरम बने हुए एकदम। अब आपको थोड़ा सा खा के दिखाती हूँ मैं, किस तरीके से कैसे बने हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। अब हम इस कोफ्ते को तोड़ेंगे, देखो कितने आराम से टूटेगा कोफ्ता। ये देखिए जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये कोफ्ता तैयार हो गया है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। झकास, एकदम मस्त। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कोफ्ते की आप मुझे बताना कमेंट करके। थैंक यू।